वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। इस महीने से फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉट साइजेस बदल गए, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ठीक से काम करना है, पहले जो स्टडी आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की करके रखी है उसको फिर से अपडेट करने की जरूरत है। तो लॉट साइज बढ़ चुके हैं, पहले जो चीज़ें बहुत कम कैपिटल में हो रही थी और जिनको ट्रेड करने से आपको थोड़ा सा रिस्क था, वो रिस्क अब 2 से 3 गुना हो चुका है। तो इसके साथ ही अपनी रणनीति बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम लोग स्पेशली इस पर बात कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर का ऑप्शन जब आप करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉट साइज़ या स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी का लॉट साइज़ बदला है, तो निफ्टी में जब आप ट्रेड करते थे तो निफ्टी का लॉट साइज़ था 25 का, अब वही लॉट साइज 75 हो चुका है। तो जहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 250 रुपये लेता था आपसे, वहीं पे आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 750 रुपये ले रहे हैं। तो इस बात की जानकारी और आदत होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी बात तो ये है कि अब 5 पॉइंट के मूवमेंट में भी आपको 400 रुपये मिल जाया करेंगे और 10 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो 750 रुपये मिल जाया करेंगे। तो सपोज़ हम निफ्टी के कॉल पुट में हाई के ऊपर बाइंग लगा के बैठे हैं और हमको 8-10 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, तो बड़े आराम से ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अमाउंट है एक दिन के प्रॉफिट के लिए। अब हम जैसे अलग अलग स्टॉक्स में जाके देखते हैं, तो जो बड़ी प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनके लॉट साइज छोटे थे, जो छोटी प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनके लॉट साइज बड़े थे। तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप निफ्टी के या NSEIndia.com में टॉप गेनर टॉप लूज़र को देखिए, उन टॉप गेनर टॉप लूज़र्स में जाइए और जाने के साथ ही सबको क्लिक करके उनके ऑप्शन चेन देखें। ऑप्शन चेन देख के वहाँ पे मार्केट लॉट मिल रहा है, मोस्ट एक्टिव कॉल पुट मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मूवमेंट आया कॉल पुट की वैल्यू में। अगर कॉल पुट की पूरी डिटेल ओपन आई, लो क्लोज वहाँ नहीं मिलता ऑप्शन चेन में, तो आप गेट डेरिवेटिव कॉल क्लोज को देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि कल अगर मैं टाटा मोटर का कॉल लेके गया तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था। अगर वो 10 रुपये का कॉल था और 1400 का लॉट है तो 14000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो 4 रुपये पर खुल गया तो 5600 रुपये मिल रहे थे। क्योंकि शुरू में ये बात होगी, हमारे दिमाग को आदत होती है पुरानी चीज़ों की, यहाँ पे एक मेमोरी मैप बन जाता है, पाथ बन जाता है, उसमें ही हमारा दिमाग चलता रहता है। तो आप ये चीज़ जानने के बाद भी इसको भूल जाओ कि काम करते करते, और 2-3 बार उसके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रिपीटेडली आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शंस में जाना होगा। NSEIndia.com में जब इक्विटी डेरिवेटिव आप खोलते हैं तो उसके ऊपर ही टॉप 20 स्टॉक ऑप्शन दिखते हैं, वहीं पे आपको टॉप 20 स्टॉक फ्यूचर्स दिखते हैं। तो उनकी उनको क्लिक करके उनके लॉट साइजेस वगैरह रेगुलरली देखते रहिए, और इस बात पे भी नज़र डालिए कि एकदम से मार्जिन बढ़ जाने से, लॉट साइज बढ़ जाने से वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि कहीं कहीं जहाँ बहुत कम वॉल्यूम होता था वहाँ वॉल्यूम ड्रामेटिकली घट चुका हो, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले जो कॉल पुट आराम से आपके 10-12 हज़ार की कैपिटल में हो जाते थे, अब 25-30 हज़ार रुपये की कैपिटल वहाँ पे कम से कम लगने वाली है। इसलिए ऐसा भी हुआ है कि आधे ट्रेडर्स मैदान से बाहर हो गए क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो छोटा छोटा प्रॉफिट हमको बुक करना होगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहे जब तक लॉट साइज बड़ा हुआ है। तो हमको जहाँ भी 50 पैसा 1 पॉइंट 2 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, बुक करो, बाहर आ जाओ, स्टॉप लॉस मत हिट होने दीजिए, क्योंकि उस स्टॉप लॉस में कितना पैसा जा रहा है अभी उसकी आदत हमको नहीं है। तो फ्रिक्वेंटली छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहें और साथ में सभी साइट्स पे जाके इनके लॉट साइज को स्टडी करते रहें, देखते रहें और पेपर पर ट्रेड करते रहें अलग अलग ऑप्शंस में। तो आप कैपिटल की कमी की वजह से 1 या 2 एक्चुअल ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन पेपर पे जब आप लिख के ट्रेड कर रहे हैं और उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए, अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं। तो हर दिन आप 5-5, 10-10 पोजीशन पेपर पे लिख के नोट कीजिए और देखिए एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहे हैं, और वो जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर सचमुच आपको पैसा ही बनाना है तो अपने आप को जस्टिफाई मत करो। जो भी स्टॉप लॉस हुआ है तो स्टॉप लॉस नोट करो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट नोट करो, और एक्चुअली उस बात को महसूस करो कि अगर कोई चीज़ आपने देखा 10 रुपये का कॉल है वो 22 रुपये का हो गया, तो 22 रुपये तक रुकना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है हमारे लिए? नहीं। क्या ऐसा नहीं होता कि 13-14 रुपये का जब रेट आता 3-4 पॉइंट ही मिल रहे होते, 5-6 हज़ार ही मिल रहे होते, तो हम उसको कितनी बार बेच के भाग जाने को तैयार थे? तो 22 तक कैलकुलेट करना मतलब एक झूठा कैलकुलेशन है। तो जितना रियलिस्टिक कैलकुलेशन आप रखेंगे उतना ही सही काम आप कर लेंगे। तो बाहर चीज़ें बदलने से हमारा दिमाग, हमारी मेमोरी एकदम नहीं बदलती, इसलिए उसके साथ आपको यूज्ड टू और फेमिलियर होना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको जितने भी ट्रेनिंग में, पेड ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ़ोन पे हम आपको जो क्लासेस देते हैं उसमें हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने को देते हैं। उसका कारण यही है कि आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तभी आप में वो डेप्थ आएगी कि आप सही डिसीजन ले सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय।